तीन बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे, अर्थ और भावना को बनाते हैं। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 31वां अध्याय आज मंत्र संख्या 8 के ऊपर विचार करेंगे। इससे पहले जो मंत्र संख्या 7 था उसमें बताया गया था कि चारों वेद परमेश्वर से उत्पन्न हुए। बहुत से मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो ये मानते हैं कि वेद मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वेद परमेश्वर ने बनाए हैं ये सच्चाई है। वेद ईश्वर की वाणी है और जब ये समझ में आता है कि वेद ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की विद्या है, तब मनुष्य श्रद्धापूर्वक वेदों को पढ़ता है और उनके अनुकूल आचरण करता है। केवल एक बार पढ़ लेने से यथार्थ ज्ञान नहीं होता, इसलिए बार बार इन मंत्रों को दोहराया जाता है कि चारों वेद परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और बार बार जब हम मंत्रों को दोहराते हैं, उनका अर्थ करते हैं, तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि वेद ईश्वर की वाणी है और वेदों में फिर श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। वेद ईश्वर की वाणी है, इसमें क्या कारण है? सत्यात प्रकाश के अंदर वहाँ पर कुछ बातें इसको समझाने के लिए बताई गई है। वहाँ पर यह बताया गया है कि जैसा ईश्वर है, जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसा ही वर्णन वेदों के अंदर ईश्वर का मिलता है। ईश्वर सबका सुख चाहता है, उन्नति चाहता है। वेदों के अंदर भी ऐसे मंत्र मिलते हैं जो उन्नति करने की प्रेरणा देते हैं। उद्यानम ते पुरुषा न अव्याना, परमेश्वर माता पिता के समान है सब प्राणियों का, सबको बुराई से बचाना चाहता है, अच्छाई में लगाना चाहता है, इसलिए अनेक मंत्र ऐसे मिलते हैं जो बुराई से हटने की प्रेरणा देते हैं। मा स्तेयम अदमी, मा गृदह कस्य सिद्धनम, निषेध किया जा रहा है मनुष्यों को कि ऐसे कार्य ना करो, इससे तुम्हारी हानि होगी। और अच्छे कार्यों की
प्रेरणा दी गई है कि अच्छे कार्यों को करो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम् समा, 100 वर्ष तक शुभ कर्मों को करते हुए जियो। ईश्वर सबका सुख चाहता है, ऐसा नहीं कि कुछ प्राणियों का सुख चाहता है, किसी का दुख चाहता है। इसलिए वेद मंत्रों के अंदर सबके लिए प्रार्थनाएं मिलती है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, हम सब मनुष्यों के दुर्गुण दुखों दुर्व्यसनों को आप दूर कर दीजिए। तो पहली बात, जैसा ईश्वर है वैसा वर्णन वेदों के अंदर ईश्वर का मिलता है। दूसरा, जैसा सृष्टि क्रम है, जैसे सृष्टि के पदार्थ हैं, जैसे सृष्टि के पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसा ही वर्णन हमें वेदों के अंदर मिलता है। सृष्टि के अंदर जहर भी मिलते हैं, अनेक जहर हैं, अनेक औषधियां हैं। कुछ औषधियों का वर्णन भी वेद मंत्रों के अंदर मिलता है, अपामार्ग जैसा, और सांप आदि विषयों का वर्णन भी है, और भी अग्नि वायु आदि पदार्थों के, सूर्य पृथ्वी आदि पदार्थों के जैसे जैसे गुण कर्म हैं वैसा वर्णन हमें वेद में मिलता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जिस परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है उसने ही वेदों को बनाया है। जब हम बाजार के अंदर जाते हैं, कोई मशीन यंत्र आदि लेकर आते हैं और उसके साथ जो मैनुअल मिलता है, तो उसमें जो निर्देश दिए होते हैं, जो सावधानियां दी गई होती है, जो मॉडल दिया हुआ होता है, जो चित्र दिया होता है, उसका बिल्कुल वैसा ही वर्णन होता है जैसा वो यंत्र होता है या मशीन होती है। तो इससे हमें विश्वास होता है कि ये इसी कंपनी ने बनाया है, वो बिल्कुल वो इस यंत्र के विषय में सारा जानती है, तभी उसने बताया है। इसी प्रकार से वेदों के अंदर भी सांसारिक पदार्थों के गुण कर्मों का ठीक ठीक वर्णन है। तो उसको जानकर हमें ये लगता है कि सृष्टि को बनाने के समान वेद भी ईश्वर की क्या है, विद्या है। तो इस प्रकार से हम बार बार विचारेंगे, बार बार इन मंत्रों को पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हमें लगने लगेगा कि हाँ, वेद ईश्वर की वाणी है, और फिर हमारी उसके अनुकूल चलने की प्रवृत्ति होगी। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचः सामानि जज्ञेत। और वेद परमेश्वर ने सृष्टि के बीच में नहीं दिए, सृष्टि के अंत में नहीं दिए, कब दिए? सृष्टि के आरंभ में। यदि ईश्वर वेद सृष्टि के बीच में देता तो जो पहले मनुष्य पैदा हुए हैं उनके साथ अन्याय होता। यदि परमेश्वर वेद सृष्टि के अंत में देता तो जो मनुष्य पहले पैदा हुए हैं या बीच में पैदा हुए हैं उनके साथ अन्याय होता। इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों के अंतःकरण में वेद विद्या को प्रेरित किया। और वेदों के माध्यम से ईश्वर ने हमें ये बताया कि हमें सांसारिक जड़ चेतन पदार्थों का उपयोग कैसा करना है, जड़ चेतन पदार्थों के साथ कैसा व्यवहार करना है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जहर हैं, विष है, उनका भी संकेत कर दिया और मनुष्यों को बुद्धि दे दी कि तुम बुद्धि से विचार करके देखना कि ये पदार्थ जहर तो नहीं है, इससे मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। कुछ बता भी दिए कुछ विष, और औरों का संकेत कर दिया, और भी इस समान जहरीले पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो
उनको जानकर समझकर उनसे बचना। और विष का भी औषधि के रूप में उपयोग करने का संकेत आपको वेदों के अंदर मिलेगा, तो किस प्रकार से उसको औषधि के रूप में प्रयोग करना है। आग का पत्ता होता है, ये आसपास उगता है, उसके विषय में बताते हैं कि उसको खा ले तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो इस प्रकार से संकेत ईश्वर ने कर दिए कि आसपास आपके वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, तो उनका परीक्षण करके उनका सेवन करना, ऐसा ना हो कि उनकी हानि हो जाए। तो ईश्वर ने हमें बुद्धि दे दी और एक आइडिया दे दिया, संकेत दे दिया, आइडियोलॉजी दे दी कि अब इस बुद्धि के माध्यम से तुम इस जो वेद विद्या है, जो मैंने तुमको बीज के रूप में दी है, इसका तुम विस्तार करना। जैसे वेद मूल के समान है और जितने भी ऋषिकृत ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो वृक्ष के समान है। तो ऋषियों ने बुद्धि के माध्यम से ईश्वर की उपासना करते हुए उन वेदों का विस्तार किया है वृक्ष के रूप में। ईश्वर यदि वेद ना देता तो क्या होता, कल्पना करें। यदि ईश्वर वेद ना देता तो कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं बनता। यदि ईश्वर वेद ना देता तो कोई भी मनुष्य सांसारिक सुख और मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि ईश्वर वेद ना देता तो कोई भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को नहीं जान पाता। यदि ईश्वर वेद ना देता तो कोई भी मनुष्य सत्य असत्य का विचार नहीं कर सकता था। तो ये ईश्वर ने वेद देकर हमें इन इन लाभों से लाभान्वित किया है। तो वेद परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, मनुष्यों ने उसको उत्पन्न नहीं किया है। तो इन बातों को हमें बार बार विचारना चाहिए और मंत्रों को, जब हम बार बार इस प्रकार के मंत्रों को पढ़ेंगे तो हमें ये लगने लगेगा कि वेद ईश्वर की विद्या है। आज जिस मंत्र का स्वाध्याय किया गया, मंत्र संख्या 8, मंत्र है तस्मा दश्वा अजायंत ये के चो भया दता गावो ह जज्जिरे तस्मा तस्मा जाता अजावया। सृष्टि विद्या का वर्णन किया गया है इन मंत्रों में और अब विशेष रूप से सृष्टि के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं उनको बताया जा रहा है। पीछे बताया था कि जो सृष्टि के अंदर वेद हैं वो परमेश्वर की विद्या है, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार से सृष्टि के अंदर जो अनेक प्रकार के घी, दूध, चावल, भात, सब्जी, रोटी, मिठाई आदि पदार्थ मनुष्य प्रयोग करते हैं, तो उनको बनाने का विज्ञान भी परमेश्वर ने दिया। और सृष्टि के अंदर जंगल हैं, गांव हैं, गांव में रहने वाले पशु पक्षी हैं, जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी हैं, ये भी परमेश्वर ने बनाए हैं। और आज के मंत्र में बताया तस्मात अश्वा अजायंत, उस परमेश्वर से घोड़े उत्पन्न हुए। वैसे अश्व शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, विद्युत को भी अश्व कहते हैं। घोड़े को अश्व इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शीघ्र ही अपने मार्ग को तय कर लेता है, अशुम व्याप्त धातु से बनता है और विद्युत की गति भी बहुत तेज होती है, इस कारण से भी उसको अश्व कहते हैं। जो सूर्य की किरण है, मेघ है,
उनको भी अश्व कहा जाता है। और जो विद्वान जन हैं, जो भिन्न भिन्न विद्याओं में व्याप्त हैं, उनको भी अश्व कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने अश्व शब्द का अर्थ घोड़ा किया है, और आगे गावह शब्द आया है, गायें भी परमेश्वर ने उत्पन्न की। गो शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं, इंद्रियों को भी गो कहते हैं, और सूर्य की किरण को भी गायें गो कहते हैं, परंतु यहाँ पर गावों का अर्थ पशु किया है, जो दूध देने वाली गाय हैं। तो यहाँ पर एक नियम काम करता है, साचर्य के नियम से यहाँ पर गावों और अश्वा से पशु का ग्रहण किया गया है, क्योंकि आगे जो अजा अवयह आया है, अभी भेड़ को कहते हैं और अजा बकरी को कहते हैं, इनके साचर्य से यहाँ पर अश्व और गावों से भी पशुओं का ग्रहण है। जैसे राम लक्ष्मण वन को गए, तो लक्ष्मण के साचर्य से कौन सा राम लिया जाएगा? राम तो कृष्ण जी के भाई का नाम भी था, बलराम। परशुराम को भी राम कहते हैं, और श्री रामचंद्र जी जो अयोध्या के राजा हुए उनको भी राम कहते हैं। तो लक्ष्मण के साचर्य से, क्योंकि लक्ष्मण उनके भाई थे, तो वहाँ पर राम से किसका ग्रहण करेंगे? अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी का। इसी प्रकार से यहाँ पर जो अजा अवि शब्द आया है, उसके साचर्य से अश्व और गावा, इनका अर्थ पशु किया गया है। तो तस्मात अश्वा अजायंत, ये उपलक्षण के रूप में है, घोड़ा ढोने के काम आता है। इसी प्रकार से गधा है, ऊंट है, ये भी ढोने के काम आते हैं, और इनके मुख में आपको दोनों ओर दांत मिलेंगे। तो ऐसे पशुओं को परमेश्वर ने बनाया है। इसी प्रकार से कुछ पशु ऐसे हैं जिनके एक ओर दांत होते हैं, गायें हैं, गायें के आगे आगे केवल ऊपर की ओर दांत बताया जाता है, उससे वो जुगाली आदि करती है। भैंस में भी इसी प्रकार से मिलेगा। तो जिनके एक ओर दांत हैं, जिनके दो ओर दांत हैं, ऐसे पशुओं को परमेश्वर ने बनाया। ये उपलक्षण के रूप में है, और भी पशुओं को परमेश्वर ने बनाया। तस्मात तस्मात जाता अजावया, उस परमेश्वर से ही अजा, अजा कहते हैं बकरी, और अवि कहते हैं भेड़ को, ये परमेश्वर ने बनाया। यदि भेड़े ना होती तो हमें क्या ना मिलता? गर्म वस्त्र। गर्म वस्त्र हमें भेड़ों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यदि ईश्वर गायें ना बनाता तो हमें दूध कैसे मिलता? इसी प्रकार से ईश्वर यदि घोड़े ना बनाता तो हमें दूर जाने का लाभ कैसे होता, सवारी आदि, ढोने आदि के काम। तो एक तो ये लाभ होता ही है, और भी इनसे पर्यावरण संतुलन बनता है। ये कर्मों के भोग के रूप में ईश्वर ने ये भिन्न भिन्न योनियों को बनाया है। तो इस मंत्र का पाठ करते समय ईश्वर की न्याय व्यवस्था के ऊपर भी विचार करना चाहिए, कि यदि हम मनुष्य जन्म पाकर अच्छे कर्म नहीं करेंगे, मनुष्य जन्म में यदि हमारे पाप कर्म अधिक होंगे, पुण्य कर्म कम होंगे, तो फिर दूसरी योनियों में जाना पड़ेगा, गधा घोड़ा सुअर गायें आदि बनना पड़ेगा, और दूसरी योनियों में दुख क्या है, अधिक होता है। ये जो ग्राम्य पशु हैं, ये तो घोड़ा भैंस आदि, ये तो प्राधीन होते हैं, इनकी स्वामी विवेकानंद जी डबल जेल बताते हैं, ठीक है ना। एक तो बेचारे बंधे ही हुए हैं घर के अंदर, फिर खूंटी के साथ और बांध दिया जाता है, ठीक है ना।
तो ये दूसरी जेल हो गई। एक तो शरीर में बंधे हुए हैं, ये पशु योनि मिली, ग्राम में पशु के रूप में आए, स्वतंत्र रह नहीं सकते क्योंकि वो भोजन आदि मिलने में कठिनाई होगी। जंगली पशु तो वो तो स्वतंत्र रह सकते हैं, अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इनके लिए कठिनाई हो जाती है स्वतंत्र रूप से इनका रहना, इनका ठीक प्रकार से रख रखाव नहीं हो पाता। और दूसरा फिर इनको घर के अंदर खूंटी से बांध दिया जाता है दूध निकालने के लिए, वो दूसरा कैद हो जाती है। तो यदि हम पाप कर्म करेंगे तो पराधीनता भोगनी पड़ेगी, हम पराधीन हो जाएंगे, दूसरे के अधीन हो जाएंगे। अब पालतू पशु है वो बेचारा मालिक के ऊपर निर्भर है, मालिक उसको पानी पिलाए ना पिलाए, भोजन दे ना दे, उसको ठंड से बचाए ना बचाए, वो क्या कर सकता है, उसके पास सामर्थ्य है नहीं। वो जैसी मालिक सेवा करेगा उसको वैसा स्वीकार करना पड़ेगा, और यदि वो अच्छी प्रकार से सेवा नहीं होती तो उसको कष्ट भोगने पड़ेंगे, कष्टों को सहन करेगा, भूखा प्यासा रहेगा, सर्दी गर्मी को सहन करेगा। तो इन मंत्रों को बोलते समय हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर भी विचार करना चाहिए, और हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हम पाप कर्म करेंगे तो इन योनियों में जाना पड़ेगा, इसलिए हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, ईश्वर मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं, हे मनुष्यों, तुम लोग गौ घोड़े आदि ग्राम के सब पशु, ये उपलक्षण के रूप में हो गया, और भी गांव के अंदर रहने वाले जो पशु हैं, जिस सनातन पूर्ण पुरुष परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कभी मत करो। तो ये जितने भी प्राणी हैं वो सब परमेश्वर ने बनाए हैं, हमें सदा उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और यदि हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, अधिक पाप कर्म करेंगे, तो दूसरी योनियों में हमें अनेक प्रकार के दुख कष्ट भोगने पड़ेंगे। और यदि हम मनुष्य जीवन पाते हुए पूर्ण रूप से ईश्वर के समर्पित होके चलेंगे, भावार्थ में क्या लिया, आज्ञा का उल्लंघन कभी ना करें, तो इससे क्या बात निकली, सदा उसकी आज्ञा में चले। तो जो सदा ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, हर समय मन वचन कर्म से ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, तो ईश्वर की कृपा से उसकी बहुत शीघ्र उन्नति होगी, और वो बहुत शीघ्र सांसारिक सुखों को प्राप्त करेगा और मोक्ष सुखों को प्राप्त करेगा। जैसे कल उदाहरण दिया था, जैसे वर्षा काल में पौधे बहुत शीघ्र बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, एक तो वर्षा काल में बिजली कड़कती है, बिजली से नाइट्रोजन आदि खाद भूमि पर आती है और वर्षा का जल होता है, इसी प्रकार से जो ईश्वर के समर्पित होके चलेगा, पूरी शक्ति से ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, तो वो शीघ्र उन्नति को, शीघ्र सुखों को, शीघ्र अपने लक्ष्यों को, शीघ्र अपनी कामनाओं को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से हमें ईश्वर के समर्पित होके चलना चाहिए, ये मंत्र का संदेश है। यहीं तरह